नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर जो सेकंड है ट्वेल्थ क्लास का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड टॉपिक है। उससे पहले वाले दो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थर्ड टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ध्यान से समझना, बहुत ईजी टॉपिक है। बोर्ड में जो इसका फॉर्मूला बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन भी आई हुई है। कंपटीशन क्लासेस में ओनली क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो एमटीआर फॉर्मूला बनेगा उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? हमारे पास है ये सोर्स चार्ज, ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, स्टेबल रहेगा, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोर्स चार्ज भी बोल सकते हो, पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हो। इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पर एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब देखो, आप सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस चार्ज के अकॉर्डिंग इस चार्ज पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इस तरफ, और वैसे रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास इस चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन वर्क डन अपन करा रहे हैं ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करा रहे हैं, फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आप इस तरफ दे रहे हो, इट मीन्स वर्क डन नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 180 डिग्री हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे हो तो स्मॉल वर्क डन आएगा। अब सपोज करते हैं कि इस चार्ट टेस्ट चार्ट को अपन इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक ला रहे हैं जो आर डिस्टेंस पर है, तो अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल निकाल लेंगे। ध्यान से सुना करो, ईजी टॉपिक है, कॉन्सनट्रेट रखो। अगर आप कॉन्सनट्रेट रखोगे तो एक टाइम पर ही पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप चेक करो ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, ये दो चार्ज जो अपने पास है, हमारे पास जो दो चार्ज है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट चार्ज अपार डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस है, तो ये पीछे पढ़ के आगे फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, के क्यू वन चार्ज क्यू टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्यू वन चार्ज इज क्यू और क्यू नॉट चार्ज इज सेकेंड चार्ज, ठीक है, आर डिस्टेंस अपार डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फोर्स आ गया, फोर्स क्यों निकाला, क्योंकि इससे वर्क डन निकाल लेंगे अपन, ठीक है, ये फोर्स आ गया। अब वर्क डन निकाल रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, ए टू बी पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा डी एक्स, ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, डी डब्ल्यू, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल वर्क डन आएगा, तो फोर्स इज वैक्टर क्वान्टिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वैक्टर क्वान्टिटी डॉट प्रोडक्ट में, ये पीछे पढ़ के आ गया, अपन 11th क्लास से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, डॉट प्रोडक्ट, डॉट को जैसे रिमूव करेंगे कोस आ जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा क्या आएगा, 180, क्यों 180 आएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इस ए पॉइंट पे इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो कोस 180, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, इसका आंसर आ जाएगा -1, तो यहाँ इसके आगे माइनस आ जाएगा, रैप की वैल्यू ये रही के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब टोटल वर्क डन निकालना है कि हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट यानी आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन देखो कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन ऑन क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, तो हम यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन के लिए लाइन लिखी और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन करने क्या आएगा, देखो आपने ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट था, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें देखो ये चार्ज पे कोई, ये कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, टेस्ट चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी बाहर आ जाएगा, एंड क्यू इस सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज वो भी ही, यानी तीनों कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस में वेरिएबल आएगा, ये चेंजेबल है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, आप इस डिस्टेंस यानी एक्स स्क्वायर को अपवर्ड लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। हम 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ के आते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में एक फॉर्मूला था एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है, अपॉन में है एन प्लस वन, तो यहाँ माइनस टू एन की जगह, एन की जगह क्या है माइनस टू, एन की जगह क्या आ रहा है माइनस टू, यहाँ माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन अपन सोल्व करें तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन, यार इंटीग्रेशन है, लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू आर, ये आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन और माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वन से डिवाइड कर दिया तो के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा,
ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। तो वन अपॉन इन्फिनिटी में अपन जीरो से अपने पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का वन में डिवाइड कर जीरो आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है ना, ये माइनस वन यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस में हो जाएगा। तो ये डाटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा दिया गया, ये डाटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो वर्कडन इतना आ गया, ये वर्कडन आ गया। वर्कडन इक्वल टू क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट या पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फॉर्मूला ये होता है, प्रीवियस जो वीडियो था स्टार्टिंग वाला पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे। वी नो दैट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्कडन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्कडन का आंसर ये आ रहा है, ये वर्कडन, ये पहले पढ़ लिया बेटा, ये फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ लिया। अगर आपको पता नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो देखिए, ठीक है। अब ये अपन यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दिया, क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, सारे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, किसी भी सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू अपॉन आर फिक्स है। डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस जैसे इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज। अब देखो के को अपन रिमूव करते हैं, तो के को रिमूव करने पर अपने पास होता है के इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन फोर पाइव एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह मैंने पुट किया वन अपॉन फोर पाइव एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके साथ मीडियम ये रहा, ये मीडियम आ गया, यानी मीडियम की इन्वर्स लिए, यानी मीडियम इंक्रीज करने से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे आगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब भी पढ़ेंगे कि आपने मीडियम को इंक्रीज कर दिया, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज कर दिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वी, तो वो डिक्रीज हो जाता है। पढ़ेंगे क्यों होता है और भी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ मैंने बता दिया कि फॉर्मूले में ही आ रहा है, वहाँ और चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस के साथ ये क्या होगा, इन्वर्सली होगा, चार्ज के साथ डायरेक्टली होगा, ये अपने पास हो गया। कितना ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी, अपने पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया था, दो चार्ज लिया, अभी इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकाल लिया, अभी ये चार्ज मूव करके इधर आ रहा है, वर्कडन निकाल लो, इंटीग्रेशन कर दो, बहुत इजी। लास्ट में जो समरी निकली वो निकली के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगला टॉपिक, थर्ड टॉपिक पढ़ लिया, ये अपने पास फोर्थ है चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, उसमें फोर्थ पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अपन एक पॉइंट चार्ज देखा, यह है मल्टीपल चार्जेस का, मल्टीपल चार्जेस यानी अपने पास से क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए अनलिमिटेड जो भी है, और एक ही टीचर को देख रहे हैं सारे के सारे। तो हमारे पास क्यू वन चार्ज, फर्स्ट चार्ज, ये डिस्टेंस, इसका पोटेंशियल निकाल लो। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ पॉइंट ड्यू टू क्यू वन चार्ज, तो क्या आ जाएगा, वी वन के क्यू वन अपॉन आर वन, यही फॉर्मूला था पोटेंशियल का, के कॉन्स्टेंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो इसके लिए चार्ज क्यू वन है, डिस्टेंस आर वन है, ये पोटेंशियल आ गया। इसके लिए चाहे डिस्टेंस आर टू है, चार्ज क्यू टू है, तो इसके लिए आ जाएगा के क्यू टू अपॉन आर एस आर टू। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, मैं लास्ट वाला लेता हूँ, ये वाला। तो लास्ट वाले चार्ज का क्या हो जाएगा, वी एन इक्वल टू के क्यू एन अपॉन डिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पे। अब यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, सबको ऐड कर लेंगे अपन, सभी को ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, यानी अपने पास इन तीनों पोटेंशियल जितने भी दे रखे हैं उनको सब करें, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे 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 n तक, तो Vn। जब इन सबके डाटा पुट करते हैं अपन, तो K कॉमन आ जाएगा, इससे K कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q डैश 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 Qn अपॉन Rn, ठीक है। आप इसकी अपन नेट निकाल लेंगे, नेट कैसे निकालेंगे, सिग्मा लगा के, इनिशियल स्टार्ट हो रहा है वन से, तो इनिशियल आई यानी वन हो गया और एन इज़ फाइनल हो गया, तो क्यू आई अपॉन आर आई, ये अपने पास हो जाएगा, क्यू आई अपॉन आर आई, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये है आपका, कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये टॉपिक था आज का, अगली बार जब वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़े आपने आज, पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, थैंक यू।